शक्ति देकर हम अभी आ रहे हैं। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए। मरहूम बाबा ने अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहां थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। सुभान अल्लाह से दुआ है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी की मगफिरत फरमाए, मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला आला से अला मकाम दर्जा बुलंद फरमाए और मरहूम के घर वालों को सब्र अजीम अता फरमाए। अब गुनाह था देखिए हो गया, पट्टी देकर हम अभी आ रहे हैं। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिन दरिंदों ने, जिन लोगों ने भी उनके ऊपर इस तरह का हमला किया है, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, मगर उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के सख्त कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि अगर इस शख्स ने, मरहूम बाबा ने अगर एक लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट था, तो उस पर उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली? और अगर सिक्योरिटी मिली थी तो जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो सिक्योरिटी कहां थी? क्या कर रहे थे लोग? लोग हमको सवाल कर रहे कि वारिस भाई आप ये सवाल करिए मीडिया के अंदर, पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ बांद्रा जैसे जगह पे, मुंबई जो देश की एक आर्थिक राजनीति बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते हैं? अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है? जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हमको तो यही बोल रहे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा, सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे और सीरियसली जो भी है पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करे और पब्लिक के सामने लेकर आए। सबका यही बोलना है कि अब क्या कर सकते हैं वारिस भाई, देखो अब तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब सब बेचारे अभी तो यहाँ पे मिट्टी देके हम निकले हैं बस बाहर आपके सामने, मगर सब आहट है, सबके दिल को ठेस पहुंची है क्योंकि बाबा भाई एक ऐसी हस्ती थे सबको लेके चलते थे। मेरे 30 साल की उनकी मित्रता थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उस पार्टी का या मैं इस पार्टी का हूं, सबको लेकर चलना हंसी जॉली मूड में काम करते थे। तो मैंने तो एक मेरा पर्सनल दोस्त भी खो दिया है। हम तो यही चाहेंगे और उनकी फैमिली हो या दोस्त बिरादर जो भी, सब एक ही चीज चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का तो सवाल है ही ना, सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से इस एक इंसान को, इस तरह जो इतना बड़ा नेता है, 3 टर्म का एमएलए, वो सेफ नहीं है तो नॉर्मल आदमी की क्या सेफ्टी है? कहां सेफ्टी में चूक हुई? क्यों सिक्योरिटी उसको नहीं दिया गया या क्या प्रॉब्लम था? जो भी था सरकार को सामने लाना होगा।